आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, ईपीएफओ के अंदर कंपटीशन लेवल क्या होगा इसके ऊपर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि आईबीपीएस के अंदर भी वैकेंसीज काफ़ी कम आई है, बैंकिंग प्लस एसएससी लेवल है, तो क्या इसका फॉर्म हम भरें या नहीं भरें, ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है सूट करेगा या नहीं करेगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 3 पॉइंट ऐसे बनाए जिससे समझ में आता है कि इसका कॉम्पिटिशन लेवल जो है वो काफ़ी हाई जाने वाला है इस बार। सबसे पहला कारण तो यह है कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो बैंकिंग प्लस एसएससी लेवल मिक्स है, तो इस कंफ्यूजन के अंदर बैंकिंग वाले लोग भी फॉर्म भरेंगे इसका और एसएससी वाले लोग भी फॉर्म भरेंगे। दोनों तरफ से पूरी फॉर्म फिलिंग की जाएगी और उसके बाद एफर्ट भी बच्चे अपनी तरफ से पूरा लगाएंगे। दूसरी चीज इसके अंदर यह है कि आईबीपीएस पीओ क्लर्क का हमने रिजल्ट देखा है कि उसके अंदर वैकेंसीज काफी कम आई थी इस बार, तो काफी सारे बच्चों का मार्जिन पे जाके पेपर रुका है और उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया है, तो उधर भी सीटें जो है जितनी उम्मीद थी लोगों को उतनी फुलफिल नहीं हुई है, तो वो जो पूरा का पूरा बच्चों का लॉट है वो इधर डाइवर्ट होगा, क्योंकि अभी यही एग्जाम है जिसके अंदर क्लरिकल लेवल की पोस्ट है और ईपीएफओ जैसी सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है। तीसरा कारण इसका ये है कि हर बार क्या होता है कि ये स्टेट वाइज निकलती है वैकेंसी, तो स्टेट वाइज में क्या होता है कॉम्पिटिशन बट जाता है, जिस स्टेट में जितनी वैकेंसी निकलती है उस हिसाब से फॉर्म फिलिंग वगैरह होती है। जैसे तमिलनाडु की जो पोस्ट है वो अलग रह जाती है, पंजाब की पोस्ट अलग हो जाती है, राजस्थान में एक कॉम्पिटिशन लेवल अलग हो जाता है, तो ऐसे अपना अपना स्टेट का अलग कॉम्पिटिशन लेवल होता है। इस बार जो है ये सेंट्रल लेवल पे पूरी पोस्ट निकली है, तो ये भी एक कारण रहेगा कि इसके अंदर कॉम्पिटिशन लेवल थोड़ा हाई रहेगा। तो ये 3 कारण मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं जो ये बताता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज मान के चलें कि अगर आपने जितनी आईबीपीएस पीओ क्लैरिकल में तैयारी करी थी उससे काफी ज्यादा तैयारी की जरूरत आपको इस एग्जाम के लिए पड़ेगी, तो अपना जो लेवल है उसी हिसाब से धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करके आगे बढ़ाएं। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि गाइडली जो है एक फ्री ई मैगजीन लेके आया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, उसमें काफी सारी डिटेल्स है, जो लोग भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनको काफी मदद मिलेगी उस मैगजीन से, तो आप लिंक पे जाके नीचे वो मैगजीन जो है डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर ईपीएफओ के रिगार्डिंग और भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।